जो हम देख रहे हैं सत्या काफी गुस्सा है, सीजन पे भी चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है? ये तो सब एक नाटक है जो बेसिकली मुझे रिमोट चाहिए जो फाइटर दीदी के पास है, जिस रिमोट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी कैमराज यूज़ हो रहे हैं वो कहाँ से यूज़ हो रहे हैं, पूरा सोर्सेज कहाँ से है। तो बस एक ये ड्रामा है दादी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, ब्लूटूथ डिवाइस लगी है, आई थिंक हम फॉलो नहीं करें तो मैं बता देता हूँ। बट हाँ, बेसिकली जो दादी हैं उन्होंने ड्रामा किया था कि मर गई, बट बेसिकली वो सुशील को किडनैप करके एक रूम में होती है और घर में ही है कहीं पे। सो लाइक अ बिग बॉस, एक हमें ऑर्डर आता है ये करो वो करो, कभी बोलती हैं कि स्टैचू बन जाओ, कभी बोलती है कि झंडों के ऊपर पानी डालो, तो जैसे जैसे वो बोलती हैं हमें करना पड़ता है, बिकॉज वरना वो सुशील को मार देगी। हाँ, 17-18 लास्ट, ठीक है, एक जर्नी होती है हर शो की। मैं सेटिस्फाइड हूँ, अगर पहले जाता तो शायद नहीं होता, बट नाउ आई एम सेटिस्फाइड। और मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि सारी चीज़ें जो हैं वो चले, कुछ लोग रिलेट कर पाए कुछ लोग नहीं कर पाए, तो हर एक किस्मत होती है। तो ठीक है, इस शो की इतनी किस्मत थी, बट ऐसे कोई हार पीछे थोड़ी ना बैठ जाएगा। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभार किसी सब्जेक्ट में टॉप करते किसी में नहीं करते, तो लाइफ ऐसी है, ये शो भी, शो की लाइफ भी ऐसी है, और इतना कंपटीशन है, लोग क्या क्या देखें। सो आई पर्सनली डोंट हैव एनी इशू कि शो जा रहा है, सो आई एम हैप्पी कि मुझे अब एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक नया कैरेक्टर प्ले करूँगा, वो क्या होगा। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि अब मेरा नेक्स्ट क्या होगा। मेरा जर्नी बहुत अमेजिंग था, मुझे मतलब एज अ मेन लीड एंड सिंगल बॉय इन द शो और पूरे शो को, वेयर समवेयर इट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी टू हैंडल फुल शो फॉर स्टार प्लस। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस जो है मैंने फेस किया है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और इसमें मैंने अपना बेस्ट किया, अपना जितना मुझे आता है जितना मैंने सीखा है वो सबका बेस्ट मैंने इस शो में दिया है। तो येस, आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज अगर मैं आज से 20-30 साल बाद भी इस शो को देखूंगा तो आई एम लाइक यार मैंने मेहनत तो की है, बाकी सबके ऊपर। मेरी सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, मुझे सी मैं आई पर्सनली सी अबाउट माई सेल्फ कि मैं कभी किसी से बिगाड़ता नहीं हूँ, कोई मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स करे मैं उससे अच्छे से प्यार, मैं प्यार से ही बात करता हूँ सबसे। तो यहाँ पर मेरी सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी रही है, मतलब यू कांट से कि वन पर्सन बट ऑलमोस्ट सबके साथ, किसी के साथ स्टार्टिंग में नहीं बनी तो बाद में बनने लगी, तो ऐसा मेरे साथ रहा है इस शो में। मेरी दो तीन जो सीन्स रहे हैं, जैसे कि एक धोबी घाट वाला और अभी एक रूम में चिल्लाने वाला रोने वाला एक सीन है जो जिसमें मैं बोलता हूँ सुशील वापस थोड़ी ना आ जाएगी, तो वो मेरी मेमोरीज इसलिए हैं बिकॉज शायद जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करने वाला, मैंने कम से कम 50 बार रिहर्स किया बट मुझे नहीं पता था कि ये होगा, और वो मैजिकली पता नहीं कहाँ से वो कौन सा एक्टर था अंदर से जो निकला। सो वो जो मैजिक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ के वो इस शो से रिलेटेड मैं उन्हें नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई डोंट नो कि हु वाज दैट गाय। सी आई फ्रेंकली टेलिंग यू कि आई जस्ट वॉन्ट रेस्ट, बट मैं रेस्ट की जगह फिर से हार्डवर्क को ही चूज़ करूँगा। सो लेट्स सी, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी है लाइनअप हैं, सो आई एम जस्ट लुकिंग कि कैसा मैं चाहता, बिकॉज आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि मुझे अभी कैसा प्ले करने का मन है, मुझे ऑफिस बॉय करना है या फिर लवर बॉय करना है, तो आई एम जस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूज, सो लेट मी थिंक देन आई डिसाइड देन आई डू। फैंस को मैं यही कहूँगा यार थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही हूँ मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हो बुरा हो, आप लोगों ने सब, आपको सब पता है मेरे बारे में। सो जो कुछ भी है मेरी लाइफ में, मतलब एवरीथिंग यू कैन से, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच मेरे छोटे छोटे हार्डवर्क को इतना रिस्पेक्ट करने के लिए। सो लव यू ऑल, थैंक यू।